प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैसा भी बुखार हो या फिर जाड़े से बुखार आता हो, 10 से 15 मिनट में पसीने के जरिए बाहर कर देगा आज का नुस्खा। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएगा और ये आपका 100% वर्किंग नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके हमेशा काम में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आज का नुस्खा। प्यारे दोस्तों, मैं फैजान मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डीएम वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, अगर आपने डीएम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो से नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें और पास वाले बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। रात को खाना खाकर एक पैरासीटामोल लेकर उसके बाद आपको आधे घंटे बाद एक कप जोशाना पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाना है। उसका काढ़ा बनाने के बाद आपको जो है किस तरह से उसे यूज़ करना है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह बताया हुआ है। और आगे जो मैं आपको बताना चाहूँगा उस पर पूरा ध्यान दें, जिससे जो है आप पूरी तरह अपना ट्रीटमेंट कर सकें और आपका 10 मिनट में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आपने ठीक से किया। दोस्तों, याद रहे कि उस काढ़े को आपको वफारा लेना है और उसे पीना भी है। फिर दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी तरह। दोस्तों, याद रहे उस काढ़े को आपको वफारा लेना है उसका और उसे पीना भी है। आपको उस काढ़े को उस टाइम बनाना है जब आप सोने जाएं। सोते टाइम आपको एक रजाई लेनी है, उसके अंदर आपको उस काढ़े को रखना है और उसका बफारा यानी कि सांस के साथ उसकी भाप को अंदर लेना है और काढ़े को पीना भी है। दोस्तों, जैसे ही आप काढ़े को पियेंगे, याद रहे आपको कहीं से जिस्म पर हवा ना लगे, अगर हवा लग गई तो फिर आपका जो है काढ़ा कोई भी असर नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, आपका जो बुखार है वो 10 मिनट से 15 मिनट में आपका जो है पसीना ऐसा आएगा कि आपका जो बुखार है 10 से 15 मिनट में पसीना बनकर बाहर निकलने लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको बुखार कैसा भी हो, वायरल फीवर हो या फिर आपको ठंड से आने वाला रोज़ रोज़ का बुखार हो या फिर और भी कई तरह के बुखार होते हैं जो आपके ये कंट्रोल कर सकता है। एक नॉर्मल बुखार होता है, अगर आपको कभी कभी आ जाता है उसे, तो ये 10 मिनट में आपका बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और ये कोई भी बुखार हो, आपके हड्डी का बुखार हो, 10 से 15 मिनट में बिल्कुल निकल जाएगा। एक बार आप इसे आजमाएं। और अगर आपको म्यादी बुखार है तो लगभग 3 दिन इसे ज़रूर करें। 3 दिन के बाद आपको फिर कभी भी फीवर नहीं रहेगा, आपके जिस्म में सारा फीवर जो है निकल जाएगा हड्डी का बुखार। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।